15 तारीख से दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और इन 4 दिनों के दौरान प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों का दौरा किया है और चुनावी सभाओं को संबोधित किया है। आपको बता दें कि केरल में दूसरे फेज में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और यहां 26 अप्रैल को साउथ में जुटी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ चुनाव प्रचार में जोर शोर से भाग ले रहे हैं और लगातार दक्षिण भारत में कई रैलियों में शामिल हो रहे हैं और इन सबका उद्देश्य भाजपा की दक्षिण भारत में स्थिति को मजबूत करना है और ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करना है। आपको बता दें कि भाजपा ने इस समय इन लोकसभा चुनावों में 370 सीटों का टारगेट तय किया है और एनडीए के लिए 400 पार का आंकड़ा सेट किया है। वे एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही, और प्रधानमंत्री इस समय खुले वाहन में मौजूद हैं जहां रोड शो के जरिए वो सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हर वर्ग के लोग प्रधानमंत्री के आगमन के लिए बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, लगातार नारे लगा रहे हैं। लोगों में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। आज 19 तारीख है और प्रधानमंत्री के दक्षिण दौरे का आज आखिरी दिन है और प्रधानमंत्री केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं और इस समय प्रधानमंत्री केरल के पलक्कड़ में हैं जहां रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इस समय भाजपा का पूरा फोकस मिशन साउथ पे है क्योंकि भाजपा ने 400 पार का टारगेट सेट किया है और जब ये नारा तभी दक्षिण भारत का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और भाजपा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मार्च से तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में विभिन्न जनसभाओं और रोड शो में शामिल हो चुके हैं जहां एक भारी तादाद में जनसैलाब देखा गया है। भाजपा उम्मीद जता रही है कि दक्षिण भारत इस समय प्रधानमंत्री केरल के पलक्कड़ में हैं और दोपहर बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु के सेलम जाएंगे जहां वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल कोयंबटूर में भी एक रोड शो में हिस्सा लिया था और यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर दोनों तरफ लोग मौजूद थे और भारी भीड़ उमड़ी हुई थी और ये नज़ारा आज भी देखने को मिल रहा है जहां भारी जनसमूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए तत्पर है। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नारे लगाए जा रहे हैं और बैनर्स के जरिए आप देख सकते हैं कि वेलकम मोदी जी लिखा हुआ है। लोगों ने हाथों में भाजपा के झंडे पकड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बड़ा जनसैलाब प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इस रोड शो में शामिल हुआ है। भाजपा को इस बार पूरी उम्मीद है कि मिशन साउथ के जरिए दक्षिण भारत में भाजपा अपनी स्थिति को और मजबूत करेगी और सीटों में बढ़ोतरी मिलेगी। भाजपा ने इस बारी 370 का आंकड़ा तय किया है भाजपा के लिए और एनडीए के लिए 400 का टारगेट सेट किया गया है।
पुष्प वर्षा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। सड़कों के दोनों तरफ एक भारी जनसमूह मौजूद है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। केरल में कुल 20 लोकसभा सीटें हैं, 18 जनरल कैटेगरी की और 2 आरक्षित सीटें हैं। केरल में दूसरे फेज में चुनाव होना है और निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल अब चुनाव प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं।